इंडिया में भी हम लोग आए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ उनको ये पता कि बारात में जा रहे हैं, क्या रहेगा ड्रेसिंग तो है नहीं इनकी बारात वाली, ये लोग जा रहे हैं। इसका पेट्रोल खत्म हो गया, अब मैं खड़ा हूँ सड़क के ऊपर, ये शुक्र है आज बहुत सारे लोग लगे हुए हैं एक साथ, ये गैराज से लेके वो छत के ऊपर तक सारा काम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पेंट हो रहा है गैराज के अंदर, यहाँ पे सारे मार्बल लगने की स्कॉटिंग की यहाँ पे हो रही है, बाथरूम की फिटिंग हो रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी बहुत सारे काम है जिस तरह शादी वाला घर, और ये बंदा जो है तू काम क्यों नहीं कर रहा, मेरा रूम तो फाइनल करो पहले, जल्दी करो। खैर चलते हैं नीचे जाकर देखते हैं क्या क्या सीन है। अभी वीडियो एडिट की है मैंने दो व्लॉग्स अपने, कल टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, आज दो व्लॉग एडिट कर लिए, अब जाकर नीचे व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। ओके तो फाइनली मैं फ्रेश हो गया यार, तबीयत मेरी ना कुछ ठीक नहीं चल रही जब से मैं दुबई से वापस आया हूँ ना, कोई हैवी चीज़ खाता हूँ क्योंकि खाई नहीं जाती, मतलब अजीब सा फील होने लग पड़ता है। तो रात मैंने जो है ना साग और रोटी वगैरह चावलों की रोटी खाई थी, आपने देखा होगा प्रीवियस व्लॉग में। यार दो ग्लास देना। शुक्रिया जी। यार अभी तो कुछ दिन तक जूस ही चलेगा भाई, हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती अपने वैसे ना भाई। ये सामने गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट और यहाँ पे अब लोग होना स्टार्ट हो गए हैं इकट्ठे, उसके बाद अभी लड़ाई होगी, ये वो मसले मसाइल होंगे, इसलिए आज से दुबई बड़ा फिट है। एक्सीडेंट होता है, पुलिस आती है, जैसा कसूर होता है उसको फाइन मिलता है, दूसरा जो है चला जाता है। यहाँ पे अब जो जोर होगा ना वो जीत जाएगा, वो पैसे निकलवा लेगा, दूसरा जो है वहीं चला जाएगा। काम करके वापस घर आएगा सर, मम्मा यहाँ पे बैठी खा रही हैं आइसक्रीम खाई जा रही है यहाँ पे कल्ले कल्ले, मम्मी जी सुला भी नहीं मार रही अब तो। अहमद ने और आपने हाफ ऑफ करनी है, मैंने भी खानी है थोड़ी थोड़ी आपकी आइसक्रीम, बहुत तो मजे की लग रही है स्ट्रॉबेरी वाली तो। और तो अभी जो है मार्बल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ कम हो गया मार्बल लेके आए थे तो कम हो गया था, वो लेने के लिए जा रहा हूँ जी मार्बल फैक्ट्री। मुझे आज पता चला कि ये मार्बल फैक्ट्री, मैंने कहा पता नहीं वैसे ही ईंटें उन्हें किसी ने फेंकी हुई है यहाँ पे, ये कटाई हो रही है यहाँ पे मार्बल की कटाई। यार टोटल कुल मिला के ये ईंटें बच गई थी जो कम हो रही थी, तो ये इतनी सी ईंटें लेने के लिए आए थे। अच्छा यार चक्कर ऐसा है कि पूरा शहर एक तो टूटा हुआ सड़क है, देखो सारी टूटी हुई है, दूसरा ये कि मैं गाड़ी देखे आया था सर्विस के लिए, वो लेके आनी है बाइक पे यार निकला, मैंने चेक कर लिया गाड़ी का तो पता चल गया था कि पेट्रोल कितना है कितना नहीं, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं खड़ा हूँ सड़क के ऊपर, ये शुक्र है पहुंच गया पेट्रोल पंप तक, ये सामने पेट्रोल पंप है और यहाँ पे बाइक सब बंद हो गए, मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो गया हो गया हो गया, पेट्रोल डलवा के बाकी बात होगी। वायरिंग का काम भी सुबह से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक पहुँच गया काम काम जो है पड़ा हुआ है। कुछ पहले वाले जो कारीगर थे ना वो बड़े अच्छे थे, एक का नाम हसन एक का नाम शफीक, एक का नाम दिया तूने कहा पड़ा हुआ है बड़ा बज्जा, अपने दही कराने के लिए कोई बड़ा बज्जा काम किया हमने तुम लोगों ने, कब लगा दी बेचारों को, कितनी मुश्किल आ रही है। अच्छा हां तो मेरे रूम की होगी वायरिंग, आ जाओ आ जा आ गाड़ी लेके आनी है सर्विस स्टेशन पर। ये और ये तो मैं गाड़ी लेने आ गया था और गाड़ी जो है फुल फ्रेश हो गई है, मतलब जब वहाँ बाइक पर मैं पिक करता हूँ। ओके 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 लेट्स गो। गाड़ी का कवर भी डलवा लिया यार, कवर के ऊपर इतनी मिट्टी थी ना ना पूछो कसम, गाड़ी की हालत वैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा गंदी करके रखते हैं, मिट्टी मिट्टी भी होती है जब भी देखो, लेकिन आज जो है न्यू गाड़ी है, अगर आप लोगों को नहीं पता ये देखो सिर्फ 4000 किलोमीटर 5000 तो हो गए चली हुई है। मेरे जो मेन चैनल है उसके ऊपर मैंने जब ये गाड़ी ली थी बुकिंग वगैरह कराई थी जो किया था उसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, बुकिंग कराने गए थे जो भी सीन था। खैर चलते हैं अभी जाके हसन को पिक करता हूँ मैं। यार हमारा जो सिटी है ना पूरा का पूरा इस टाइम पे खोदा हुआ है, पता नहीं बचपन से यही मैं चीज़ देख रहा हूँ जब से हो संभाली है, कभी पाइपलाइन डलनी है कभी कुछ डलना, सड़क फिर बनाते हैं ऊपर, फिर जी इसमें टेलीफोन की तार रह गई है, फिर गैस की रह गई, अब गैस की डल रही है, ठीक है तो ये सीन है पूरा खुदा हुआ है। अभी ये सुबह आपको इसमें कंडीशन दोबारा दिखाऊंगा, फिर मिट्टी से भरी हुई है, खोदा ही हुआ है उन्होंने, आ जा पाई आ जा तू आ जा, लटा दे रहे हैं। अरे तो मैंने हसन को पिक कर लिया, हसन चले अभी फ्री टाइम है अपने पास, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, क्या सीन है घूम लेते हैं, कोई काम तो नहीं है ना अभी, नहीं अभी तो फ्री है। हाँ बहुत सारे काम फाइनल कर लिए यार, एक मिनट रुक जा कार्ड्स का पूछना, अगर कार्ड फाइनल हो गए ना बने पड़ा तो कार्ड भी उठाने हैं। अच्छा हसन तो दो मिनट बैठ, मैं मोबाइल का पता करना है, वो मैं करके आया हूँ, मोबाइल मार्केट आ गया हूँ यार। मैं जिस मोबाइल मार्केट आया मोबाइल मार्केट ही बंद हो गई है, क्या सीन है भाई? ये सीन ये तूने देखी नहीं, मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, ये देखो ना ये वाली थी यहाँ पे, मतलब पूरी मार्केट थी, मेरे दोस्त की दुकान भी इसके अंदर ही है, तो वहाँ बंद हो गई है, ये वाली जो है ना मार्केट ये खुली हुई है,
अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी मेरी पिक नहीं कर रहा यार। आप लोगों को एक मैं मजे वाली बात बताता हूँ। हम लोग गुजर रहे थे आगे से जा रही थी बारात, बारात के अंदर हम लोगों ने गाड़ी डाल ली आगे बारात जा रही है, सब ने इंडिकेटर ऑन किया है, मैंने भी इंडिकेटर ऑन कर लिया, आगे दूल्हे की गाड़ी है, पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, कुछ दिन बाद मेरी भी जाएगी, टेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल बारात के मजे ले लें थोड़े थोड़े से। ये देखो ये हमारे आगे एक आल्टो जा रही है, उसके आगे वो सिविक जा रही है, ठीक है, ये हमारी बारात जा रही है समझो। लोगों को ये पता, मैंने भी हैज़र्ड लाइट ऑन कर लिया, हालांकि बाकी कंट्रीज में ये होती है इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे शादी में जो है ना भाई ये इंडिकेटर लगा के जा रहे होते हैं। देखो हम लोग ये चाह रहे थे कि उनको लगे कि बारात जो है उनकी बहुत लंबी है, हमने एक गाड़ी और ऐड कर दी इसकी। वीडियो में भी हम लोग गए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको ये पता कि बारात में जा रहे हैं, क्या रहेगा ड्रेसिंग तो है नहीं जी बारात वाली, ये लोग जा रहे हैं। ये जा रही है जी दूल्हे वाली गाड़ी, इसी के पीछे लगाते हैं हम दूल्हे वाली गाड़ी के, इससे आगे हैं, चलिए यहाँ पे ऑन करते हैं। यार मैं यहाँ पे आया हूँ ना, बहुत मसला जो है ना हुआ पड़ा खराब, आप लोगों के स्टार्ट वाले व्लॉग्स देखे हैं तो दुबई के अंदर मैं अपनी कंपनी रिन्यू वगैरह करके आ गया था और कुछ लड़कों के वीज़े अप्लाई करने थे वो भी कर दिए थे, लेकिन अब सीन ये है कि जैसी दुबई का ये सीन है कि जब भी हम लोग रिन्यूअल करते हैं तो मुझे बैंक में अपडेट करनी थी, मुझे सिम्स की अपडेट करनी थी, सब में अपडेट करना था, लाइसेंस की मैंने रिन्यूअल कर ली अपनी कंपनी की, तो अब सीन ऐसे हुआ कि कंपनी मेरी सिम जो है वो बंद हो चुकी है, बैंक जो थी वो तो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में कर दी थी, सिम सारी बंद हो गई, अब सिम में जो है वो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दिया, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं सबके, कोई राइडर्स हैं वो मसले में हैं, कोई जो है अदनान के आ रहे हैं मैसेज, यार ये बंदा ये बात कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत सारे मसले फंसे हुए हैं यार। नहीं हमें क्या करना है, वो लोग प्लेंटी डाल रहे हैं मुझे, ठीक हो गया ये प्लेंटी आप लोग पे करेंगे, मसले खराब हुए हैं, प्लेंटी डल रही है, प्लेंटी डेफिनेटली मैं ही पे करूंगा, अगर हमारी कंपनी का कोई मसला चल रहा है उसकी वजह से मेरे राइडर को कोई मसला हुआ तो प्लेंटी उसकी मैं ही पे करूंगा। शुक्रिया जी। बेबी मुझे देखे देखो कैसे खुश हो रहा है, डांस कर रहा है, बेबी 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 आगे आगे मामू। यार जब से घर बन रहा है ना तब से हमारा ही यहाँ पे कोई, कभी मिट्टी पड़ी कभी बाइक्स खड़े हैं, सब मजदूरों वगैरह के बाइक खड़े हुए हैं यहाँ पे, आगे गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तेरा मोटरसाइकिल वो खड़ा हुआ भाई ऊपर कपड़ा, उस पर भी इज्जत से कपड़ा डाल दिया उन्होंने, इज्जत जैसे मिल गई है। यार ये एक पेंट हो गया गैराज सारा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी गाड़ी के ऊपर डाल देते हैं कपड़ा ताकि गाड़ी की सेफ्टी, क्योंकि अभी भी काम हो रहा है स्टिल, मिट्टी बहुत उड़ रही है, और ये तो कवर डाल दिया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी सेफ रहेगी सुबह तक एटलीस्ट, क्योंकि कवर धुलवा लिया था, इसकी मिट्टी भी जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, अंदर से तो हो ही गई है, बाहर से शायद है ना अहमद जी। ओ ये मुँह में क्या डाला हुआ है आपने? हाँ तेली अच्छी तरह लाइट डालते हैं मुँह में। हाँ गायब किधर हो? वैसे गायब किधर हो? वो क्या लड़का पाल भी नहीं करते आप? ये दोनों जनाब सब ऊपर बैठे चिप्स खा रहे हैं, अकेले गए चिप्स खा रहे हैं। हाँ मामू को नहीं खिलाते हैं? बेबी बेबी वाओ, बेबी तो वाओ लग रहा है, बेबी लेजी हो क्या, गए हो इतने पोपो पोपो को हो, मेला बेबी आए मेरे पास, ये बेबी बहुत खराब हो गया, हो मामू पास क्यों नहीं आले, हो तू खराब करता तुम, ओ मेला मामू जान के पास आ जाओ, आ जाओ मामू के पास, हाँ आओ गाड़ी पे चले, आओ गाड़ी पे आओ, ओ अब आया मेरे पास, अब आया, अब आया मेरा बच्चा गाड़ी का, कह गया अब आया मेरे पास। यार मैंने गाड़ी के लाले जाके बेबी को यहाँ बुला तो लिया, अब मुझे कह रहा है लेके जाओ ही जाओ, बेबी गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, गुजारा नहीं हो सकता, आप ना जाओ और काम भी है नहीं के बच्चे, आप ना जाओ, अच्छा ना चले हम घर ना चले, कसम से चक्कर लगवाना होगा मुझे। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या थैंक यू सर, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, क्या फहाल आह से दे अपना, और ठीक हो? अच्छा मैं लगूंगा तो बेबी ठीक है। ये बाबा जी डीजल गाड़ी है टूडी, और काफ़ी टाइम से रखी हुई है उन्होंने, काफ़ी साफ रखी हुई है, और ये गाड़ी है पुलिस वाले की। आह बेबी घर चलें, बेबी घर चलें, अच्छा जी क्या मिलना था अपने फ्रेंड आ गया आपका, ओ ये देसी मुर्गा बनाया था बहुत मजे का, लास्ट वीडियो में शायद आप लोगों ने देखा भी वो मुर्गा, तो ये कढ़ाई बनाई थी मम्मी भी खा,
मम्मा कह रही है मेरे साथ बैठे खाना खाओ, मम्मा के साथ बैठे खाना खाओ। कान बहुत बड़ी जबरदस्त दिल कर रहा है बनाने वालों के हाथ चूम ले। ये तो कहना ही भूल गए। अपने बच्चों की सुबह शेरवानियां मेहरून शेड में लेनी है, लाइट कलर में, जैसे पहले ली थी शेड में, शेड में मेहरून में ना पड़ी हुई है सिली सिलाई। वो सब मुझे पसंद नहीं ना, वो नहीं जो वैसी मिलती जुलती मुझे नहीं पसंद, मुझे बनारसी में चाहिए। हालत देखे क्या कर दी है, मौसम ने किया फिर मुंह रगड़ रगड़ देखे क्या हाल कर दिया। मम्मी जी नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, फिर एलर्जी होगा आजकल तो पता ना कितना मुसीबत होती है। वीडियो में भी प्रूफ है, मैंने सारा दिन पारी नहीं की, मैं ऐसे कर रहा था पारी ऐसे करके, ऐसे मम्मा आके मम्मा कहती ना कर, मैंने कहा अच्छा फिर ऐसे कर लेता। अच्छे मेरे दोस्तों को ये बात पता चलेगी क्या कहेंगे, शेम हो जाएगी। चलो जी गुड नाइट।